हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं नेशनल एल्यूमिनियम शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक में आपको फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट का टेक्निकली रीजन क्या है, हम यहाँ पर करेंगे चर्चा और आपको बताएंगे कब तक स्टॉक में यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है, यह डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है। अब आप देखेंगे स्टॉक का परफॉर्मेंस किस तरह है, तो यहाँ पर आपको दो पैरेलल ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, इन दोनों लाइन के बीच में स्टॉक आपको चलता दिखाई देता है। यहां पर आप देख सकते हैं स्टॉक नीचे की तरफ आपको दिखाई दिया था और यहां से स्टॉक के अंदर आपको हल्की फुल्की तेजी देखने को मिलती है, ये देखिएगा। और इसके बाद 120 के आसपास जाने का स्टॉक में फिर से गिरावट होती है, फिर से स्टॉक में आती है तेजी और ये तेजी स्टॉक को 140 रुपए तक लेकर के जाती है, फिर स्टॉक गिरता है। फिर आप देखेंगे स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ गया, फिर स्टॉक के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली, एक बार फिर स्टॉक के अंदर तेजी आती है, 160 रुपए तक स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाई दिया, फिर से गिरावट हुई। एक बार फिर से आप देखेंगे रेजिस्टेंस पॉइंट को आप ध्यान से गौर कर सकते हैं, ऊपर की तरफ जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये स्टॉक यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, ये देखिएगा। यहाँ से स्टॉक के अंदर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और स्टॉक नीचे की तरफ आपको यहाँ से गिरता हुआ दिखाई देता है, फिर स्टॉक में तेजी, फिर आप देखते हैं इसी पॉइंट से आपको फिर गिरावट देखने को मिली। एक बार फिर सपोर्ट जनरेट करने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ चलता है और फिर इस लाइन के आसपास गया और हम यहाँ पर देख रहे हैं फिर से यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, रेजिस्टेंस को फेस किया जा रहा है और यहाँ से मिल रहा है रिजेक्शन, जो कि स्टॉक को एक बार फिर से यदि नीचे की तरफ लाएगा तो एक बार फिर स्टॉक आपको नीचे की ब्लू लाइन तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा फिलहाल आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई बाइक नहीं करना। यहां पर यदि स्टॉक में करेक्शन होगा तो आपको बड़ा करेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। यदि ब्रेकआउट होगा डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई सिनेरियो यहां पर नहीं दिखाई दे रहा, यहां पर रिजेक्शन दिख रहा है जो कि स्टॉक को नीचे की तरफ खींच करके ला सकता है।